गुड आई एम सी। दोस्तों कुछ साल पुरानी बात है, मेरे घर के पास एक नाश्ता पॉइंट नामक दुकान थी जहां मैं लगभग हर रविवार अपने परिवार के साथ नाश्ता करने जाता था। काफ़ी भीड़ रहती थी उस नाश्ता पॉइंट पर। मैंने हर बार नोटिस किया कि एक आदमी आता है, भीड़ का फायदा उठाते हुए नाश्ता करके चुपचाप बिना पैसे दिए खिसक जाता है। कुछ और लोगों की बातचीत से पता चला कि तकरीबन हर रोज़ ये व्यक्ति नाश्ता करने आता है और नाश्ता पॉइंट के मालिक को चकमा देकर निकल जाता है। एक रोज़ मुझसे रहा नहीं गया, उस दुकान के मालिक को मैंने बता दिया। मैंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि आपके मुलाजिम भी उससे मिले हुए हैं। मुझे ताजुब हुआ ये देखकर कि मालिक हंसने लगा और मुझे इस प्रकार का जवाब दिया, पाटिल साहब केवल आप ही नहीं और लोग भी मुझसे शिकायत कर चुके हैं, मैं खुद भी इसे नोटिस करता हूँ। ये दूर खड़ा होकर हर रोज़ मेरे दुकान पर भरपूर भीड़ होने का इंतज़ार करता है। मैंने कभी इस आदमी को ना रोका ना टोका, क्योंकि मुझे लगता है वह अवश्य भगवान से प्रार्थना करता होगा कि नाश्ता पॉइंट पर कब भरपूर भीड़ हो और मैं अपना पेट भर सकूं। इसके कपड़े तो देखिए, आपको लगता है ये दुकान पर पैसे देकर खाना खा सके? भाटिया साहब दुआओं में बहुत असर होता है, हो सकता है इसकी दुआओं से ये नाश्ता पॉइंट इस शहर की सबसे मशहूर दुकान बन गई हो। दोस्तों मैं मंत्रमुग्ध उसकी बातें सुनता रहा, जहन में कई बातें घूम गईं। मैंने उसको सलाम किया और कहा, जनाब आप तो बड़े दयालु हो। दोस्तों ये सच है कि यदि ईश्वर से दूसरों के लिए दुआ मांगी जाए या दूसरों की निष्काम सहायता की जाए तो आपकी तरक्की निश्चित है। नाश्ता पॉइंट मेरे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मैंने दृढ़ निश्चय ले लिया, खुद पर कंसंट्रेट करने की अपेक्षा यदि अपनी डाउनलाइन पर कंसंट्रेट किया जाए, उन्हें डेवलप किया जाए, उन्हें चेयरमैन बनाया जाए तो ईश्वर अपलाइन पर बहुत कृपा बरसाएगा। जब मैंने विश्लेषण किया तो पाया सारे आईएमसी परिवार के समृद्ध होने पर आईएमसी कंपनी स्वयं ही समृद्ध हो जाएगी। आईएमसी परिवार का प्रत्येक सदस्य अगर खुशहाल होगा तो कंपनी का वातावरण भी तो महकेगा। हर जगह चर्चा होगी कि आईएमसी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति गरीब, रोगी या मायूस नहीं होता। भगवान की आशीष के अलावा भी नाश्ता पॉइंट के मालिक की बातों से मैंने बहुत कुछ सीखा। निष्ठुर नहीं संवेदनशील बनो, क्रूर नहीं दयावान बनो, धैर्य और सरलता अपनाओ, दूसरों की मजबूरी को समझना, दूसरों के दुख को अपना दुख मानना, ऐसी संवेदना एक मानवीय ही नहीं दैवीय गुण है। पड़ोस में कोई बीमार है, डाउनलाइन एसोसिएट को कोई व्यक्तिगत समस्या आ गई है, निकट संबंधी के यहाँ कोई हादसा हो गया है तो तुरंत संवेदना प्रकट करो और उसकी यथासंभव मदद करो। निष्ठुरता से ना तो जीवन की नैया समूथली बहती है और ना ही हर जगह प्रशंसा होती है। संवेदनशील व्यक्ति की हर जगह प्रशंसा होती है, लोग उसके साथ मेल मिलाप बढ़ाना चाहते हैं। मन में दया भाव रखो जैसे नाश्ता पॉइंट के मालिक में है। क्रूरता का व्यवहार दुआ नहीं बद्दुआ लेकर आता है। यदि कोई अपाहिज व्यक्ति सड़क पार करना चाहता है तो उसको सहारा देकर सड़क पार कराने में जो मानसिक सुख मिलता है वह उसे इग्नोर करने से नहीं। डाउनलाइन के एसोसिएट्स
यदि मंजिल पाना चाहते हैं, अगर उनको आपकी प्रेरणा और गाइडेंस की जरूरत है, तो एक प्रेयर बनकर उनका जीवन संवारो। आपका जीवन खुद ब खुद संवर जाएगा। दूर से देखने या ऑब्जर्व करने वाले लोग भी आपकी दया भावना से आकर्षित हुए बिना नहीं रहेंगे। आईएमसी का सिद्धांत भी है, सारा संसार एक परिवार है। संवेदना, दया और परस्पर मेल जोल से हर दिशा में शांति, समृद्धि और आरोग्यता का वातावरण निर्मित करो। जीवन में हम जब सफलता की बातें करते हैं, तो परिश्रम के अलावा धैर्य और सरलता सबसे आवश्यक है। ये दोनों गुण मैंने नाश्ता पॉइंट के मालिक में भी पाए। अनेक सफल व्यक्तियों ने धैर्य और सरलता के कारण ही लक्ष्य प्राप्त किया है। ये दोनों गुण मन की स्वच्छता के प्रतीक हैं। जिस व्यक्ति में धैर्य और सरलता के गुण होते हैं, वह हर काम में सफल हो सकता है, क्योंकि धैर्य से हर काम में सफलता प्राप्त की जा सकती है। जैसे आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ केवल 2 या 3 एसोसिएट ही जुड़े हैं, तो आप घबरा कर पीछे हट जाते हैं, तो आप असफल हो जाएंगे। पर अगर आप धैर्य और लगन से अपना काम दृढ़ लक्ष्य और धैर्य से करते चले जाएंगे, तो आपकी सफलता निश्चित है। धैर्य और सरलता की जीवंत उदाहरण मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखी थी। एक छोटा बालक जो कि पोलियोग्रस्त था, प्लेटफॉर्म पर बनी सीढ़ियां रेंग कर चढ़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उस बालक को गोद में भर कर उस प्लेटफॉर्म उसे छोड़कर आया जहां उसने जाना था। मैंने ऑब्जर्व किया, वही धैर्य और सरलता से परिपूर्ण मुस्कान उसके चेहरे पर बरकरार थी। मैंने उसको मुस्कुराकर बाय बाय बोला और कहा, बेटा, तुम्हारी सरलता ने मुझे आकर्षित किया है। उस बालक का जवाब था कि अंकल, अगर मैं कुढ़कर या उत्तेजित होकर भगवान या दुनिया वालों को गालियां दे रहा होता, तो क्या आप आकर्षित होते, मेरी सहायता करते? वह छोटा बालक मुझे धैर्य और सरलता की शिक्षा देकर धीरे धीरे अपने गंतव्य पर जाते हुए मुझे बहुत कुछ सोचने पर विवश कर गया। आपकी कंपनी आईएमसी संस्कृति संवेदनशीलता, दया भावना, परोपकार, निष्काम सहायता, धैर्य, सरलता और दूसरों की खुशी में खुशी देखने की प्रवृत्ति से भरपूर है। इसलिए तो आईएमसी एक ऐसा जगमगाता सितारा है, जिसकी जगमगाहट दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और संपूर्ण भारत में शीतलता भरी रोशनी फैला रही है। गुड आईएमसी। देना सीखे देना सिखाए, देना सीखे देना सिखाए, आईएमसी को अपना मित बनाए, देना सीखे देना सिखाए, देना सीखे देना सिखाए, देना सीखे देना सिखाए, देकर सबको साथ उनका जीवन सजाए, देकर सबको साथ जीवन सजाए, भूले भटके राही को सही राह दिखलाए, देकर चेहरे पे मुस्कान सच्चा धर्म निभाए, देना सीखे देना सिखाए, देना सीखे देना सिखाए, आईएमसी को अपना मित बनाए, देना सीखे देना सिखाए। हाथ बढ़ाए हम मदद को
प्रेम के दीप जलाए, हाथ बढ़ाए हम मदद को प्रेम के दीप जलाए, कामयाबी का पाठ सबको सच्चे मन से पढ़ाए, देकर मेहनत की चाबी सबको सफल बनाए, देना सीखे देना सिखाए, देना सीखे देना सिखाए, IMC को अपना मित्र बनाए, देना सीखे देना सिखाए।